सहारनपुर का ये आली की चुंगी का इलाका है, और जब हम यहाँ से निकल रहे तो देखा कुछ लोग यहाँ खड़े हुए हैं, तो सोचा उनसे बातचीत कर लें। जी भाईजान, क्या हालचाल है? बढ़िया जी, बढ़िया। आप? बढ़िया, ऊपर वाले का बहुत करम है। अच्छा बताइए, क्या कुछ माहौल चल रहा है इस समय? माहौल तो आपको पता है कि मुल्क के अंदर ऐसे हालात चल कर दिए गए हैं जी, कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हलाल चीज को भी हलाल नहीं बोला जाएगा। चलिए, सरकार की जो बात है उसको तो हम सर हाथे पर रखते हैं जी। और हालात ये हैं कि मुल्क में अगर अमन अमान रहेगा तो सारे काम अच्छे रहेंगे। ये मेरी समझ में नहीं आता, ये इस तरह के एजेंडे जब चुनाव होता है, चुनाव बड़ा करीब होता है, ये इस तरह की पॉलिसी क्यों लेके आते हैं? चुनाव से पहले तो बिल्कुल ठीक रहता है, जैसे चुनाव आता है करीब, अब 2024 का जो चुनाव आ रहा है भारत के अंदर, उसमें ऐसे ऐसे षड्यंत्र आते हैं। अच्छा, अब ये देखिए, स्लॉटर हाउस की बात करें या वो मीट शॉप की बात करें, हमारी मीट शॉप पे हलाल शॉप लिखा हुआ होता है, हलाल चिकन सेंटर या हलाल कोई वो लिखा होता है। तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया, ठीक है, उसे हटाया जाएगा जैसा मुख्यमंत्री जी का आदेश होगा, क्योंकि सरकार का जो नियम है उसके ऊपर चलना पड़ेगा। बहुत जो ऐसे लोग थे जो समझ नहीं रहे थे बात को, वो विरोध भी कर रहे थे, लेकिन हमारा कहना है कि विरोध नहीं करना चाहिए। ये परमानेंट थोड़ा ना बंद कर दिए मीट शॉप वगैरह, उसे साल में 5 दिन तो बंद रहेंगे सिर्फ। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, अच्छी बात है सरकार ने, देखो जब परिवर्तन आता है तो लोगों को लगता है कि बहुत दिक्कत आ रही, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फैसले लिया वो ठीक है, हम तो उनके फैसले के साथ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाराजगी तो नहीं है कोई? दोनों नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी क्यों होगी? अच्छा। भाई एक बात बताइए, रोजगार ना तो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में है ना किसी के हाथ में है, नियम और कानून बनाने उनके हाथ में है, तो नियम और कानून को फॉलो करना पड़ेगा। हम सरकार के फैसले के साथ हैं, थोड़ी दिक्कत तो हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आगे ठीक हो जाएगा मामला, कोई ऐसी बात। चलिए ठीक है जी, आप बताइए जी, क्या क्या कहोगे आप? क्या मोदी योगी राज में खुश हैं आप लोग? देखो हम तो खुश हैं जी, हम तो मस्त हैं, हम तो खुश हैं। अच्छा। सब कुछ बढ़िया चल रहा, वही खाने को मिल रहा, वही रोटी वैसे मिल रही, वैसे मिल रही, सब सरकारों में तो यही मिलता है, यही हम मिल रहा। रोजगार वगैरह सब है? सब है, मालिक का करे रोजगार वगैरह। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि भाजपा रोजगार ही नहीं देती, झूठ बोलती है। रोजगार सबको मिल रहा, हमें तो रोजगार मिल रहा, हम तो रोजगार करके खा रहे, रोजगार में जा रहे, हमारी मंडी समिति में दुकान है, आड़त की अपना करके खा रहे। पहले जो है हमारे पास मंडी से लुकता 2.5%, अभी सरकार में हमारे पास 1% हो गया, हमें तो फायदा ही हुआ। चलिए आप चाचा, आप बताइए, क्या वो दिक्कत है सरकार में कोई आपको लोगों को? ना जी, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा अच्छा चल रहा है। सरकार बड़ी अच्छी चल रही है, कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी है, कोई शिकायत नहीं है, गुंडा राज खत्म हो गया है, रोजगार का ताल्लुक नसीब से है, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं है, ये तो सब नसीब से है, और ऊपर नीचे होता रहे ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, खुशहाली बहुत है इस समय, इसमें कोई शक नहीं है, विकास भी बतेरा हो रहा है, शहर में भी और बाहर भी शांति का वातावरण है, बड़ा अच्छा है, गुंडागर्दी बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। ये बात बताइए कि 2024 का आप चुनाव है, तो क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार फिर से बनेगी? देखिए मेरी बात सुनिए, सरकार के बारे में तो जनता जनार्दन करती है, जनता जनार्दन जो तय करेगी वो सबको माननीय होगा। इसलिए कोई मैं और आप चाणक्य तो है नहीं जी, इस बात का तो मैं कोई जवाब नहीं दे पाने का आपको, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर ये सरकार जी, जो आज वर्तमान में चल रही है जी, हमारे यहाँ यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी है जी, अगर मुल्क के अंदर फसाद की, झगड़े की, ये नफरत फैलाने की बात ना करे, तो हम भी सरकार के साथ हैं, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। और जो सरकार बनने वाली है, मेरा ये मानना है कि हालात जिस तरह के बन रहे हैं देश के अंदर, तो मुझे लगता नहीं है कि बहुमत से सरकार आएगी, मिली जुली सरकार बन सकती है, बस ये मेरी अपनी निजी राय है। चलिए ठीक है, और लोग भी हैं, उनसे भी यहाँ बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी उनकी राय जानेंगे। आप बताइए कि लोग कहते हैं कि भाजपा और भाजपा सरकार में मुसलमान ज़्यादा दुखी है, क्या बात सही है? कोई दुखी नहीं है। अच्छा हाँ, कोई दुखी नहीं, सब मजे ले रहे हैं। अच्छा, मजे ले रहे हैं। हाँ, क्या क्या मजे ले रहे हैं बताएं? बस जो दुनिया में है। अच्छा, सारे मजे ले रहे हैं। अच्छा, जो रोजगार वगैरह है, महंगाई वगैरह, इस चीज को लेकर विपक्ष रोजगार की और महंगाई की करने की बात हो तो जैसा कोई करेगा वैसे पाओगे। अच्छा, सरकार कोई भी हो। आप बताइए, आप पूछने क्या है?
सब कुछ है, सब कुछ है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग कहते हैं कि भाजपा में तो बहुत दिक्कत है, दुनिया का कहने का काम है, हमारा सुनने का काम है। चलिए और लोगों से भी उनकी राय लेंगे। यहाँ पर अभी तक तो मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आई है। लोग यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में सब ठीक है, हालांकि कुछ लोग नाखुश जरूर हैं सरकार के कुछ फैसले को लेकर, लेकिन 2024 का चूंकि चुनाव नज़दीक है और ऐसे में जो आम जनता है, जो मतदाता है, उनके दिल में क्या है, यही जानने के लिए हम यहाँ सहारनपुर के इस आली की चुंगी इलाके में मौजूद हैं। एक भाई यहाँ पर रुके, उनसे पूछ लेते हैं। आप ये बताइए कि भाजपा सरकार में आप लोग खुश हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, खुश है। अच्छा, कुछ लोग तो कहते हैं नाराजगी है भाजपा से। हम यहाँ नहीं नाराज हैं, नहीं ऐसा, हम नहीं नाराज हैं। कौन कौन से काम अच्छे लगे? सारे काम, देश बदल रहा है, सब अच्छा हो रहा है, सारे काम बढ़िया हो रहे हैं। अच्छा, जैसे किस कल वो एक वो दिया था, आदेश दिया था कि मीट शॉप बंद रहेंगी एक दिन के लिए, उसको लेके भी कुछ लोग नाराज हुए, आपको दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, अच्छा रहा, एक दिन बंद रहे। हमने वेज खाया खाना गुरु नाना ढाबे का कल। अच्छा अच्छा, बढ़िया रहा, बाहर का खाना खाना, बाहर का खाना खाना। चलिए, इन्होंने वेज खाया है एक दिन के लिए। आप बताइए कि जो सरकार लगातार फैसले ले रही है उसको लेके कुछ लोग तो नाराज हो जाते हैं और कुछ लोग उनका स्वागत भी करते हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पर? हम भी स्वागत करते हैं सरकार का। अच्छा। क्योंकि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को मैं कहूँगा आने वाले चुनाव के अंदर लोकसभा 2024 में भरपूर वोट देना चाहिए। और मुसलमानों ने बहुत पार्टी को देखा, सब ने विश्वासघात किया है। हम चाहते हैं अब की बार मुसलमान एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे और जिताने का काम करे और फिर से हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने। विकास कार्य लगातार जारी हैं और योजनाओं का फायदा मुसलमानों को, ऐसी समाज के लोगों को मिल रहा है, ऐसी समाज के लोगों को मिल रहा है। हम देख रहे हैं विकास कैसा हुआ, सहारनपुर के अंदर स्मार्ट सिटी बनाया गया, कभी सहारनपुर सेडेंट सिटी कहा करते थे और हम अब हमें गर्व महसूस होता है कि सहारनपुर हमारा बहुत अच्छा शहर है। और मैं मोदी जी को सलाम करता हूँ, उन्होंने आयुष्मान की योजना, जो सबसे बड़ी योजना हिंदुस्तान की योजना बनाई है, उसके अंदर गरीबों के इलाज, जो कि डॉक्टर भाई किसी काम नहीं आता, उस टाइम एक कार्ड आयुष्मान का कार्ड काम आता है। और मोदी जी को और योगी जी को हम दिल से सलाम करते हैं। सपा बसपा और कांग्रेस लगातार मुस्लिम समुदाय को रिझाने में लगी हुई है, तो क्या लगता है कि जाएंगे उसकी तरफ मुसलमान? ना ना ना, मुसलमान समझ चुकी है समाज पार्टी, ये गुंडों की पार्टी है। देखा हमने समाजवादी पार्टी थी, गुंडागर्दी उरूज पे थी, लड़की हमारी बहन बेटियों का चलना दुभर था, आए दिन गुंडे लड़कियों को छेड़ा करते थे। और जब से योगी जी ने कहा है हर किसी घर पर बुलडोजर चल जाएगा, तो योगी जी ने ऐसा काम किया, उनकी दहशत की वजह से लड़की छेड़नी बिल्कुल बंद हो गई और लड़कियों पे फप्तियाँ कसनी बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो मैं योगी जी को दिल से सलाम करता हूँ। आप क्या कहेंगे भाई साहब? भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, सन 2024 के अंदर इंशाल्लाह 400 सीटें जीत करके आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष जो है इंडिया गठबंधन, वो तो पूरा तय कर चुका है पूरी टक्कर देने का, तो कैसे, किस फॉर्मूले से 400 सीटें जीत पाएंगे? क्या आप लोग भरपूर वोट देंगे क्या? नहीं, इंडिया गठबंधन कौन क्या तय कर रहा है? इंडिया गठबंधन अब जरूरत पड़ रही है इंडिया गठबंधन बनाने की, वरना कांग्रेस तो उस अहंकार के अंदर थी अपने, 70 साल कांग्रेस ने राज करा। हमारा मुसलमान आज भी 70 साल से 80% मुसलमान अनपढ़ है, हर चौथा मुसलमान के हाथ में कटोरा है, भिखारी है, ये सब कांग्रेस का करा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सुधार रहे, मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। विपक्ष के बारे में सब पता लग गया, विपक्ष गुंडों को पालता था, गुंडों से राजनीति कराता था, गुंडों के बल पर वोट डलवाता था विपक्ष। आज देश हमारा दुनिया का 20 गुरु बनने जा रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं, इसके अंदर हर समाज के लोगों का हिस्सा रहेगा, मुसलमान का भी इसके अंदर हिस्सा रहेगा, हिंदू का भी हिस्सा रहेगा, सिख का, ईसाई का, और इंशाल्लाह इसमें हिस्सेदारी रहेगी भी। और अब जो सबसे पिछड़ी हुई कौम मुसलमान थी हिंदुस्तान के अंदर, आज की तारीख में वो भी समझ चुकी है कि अगर हमारा किसी सरकार के अंदर विकास है तो भारतीय जनता पार्टी है और कोई पार्टी नहीं है। तो अभी तक हमने जितने भी लोगों से यहाँ पर बातचीत की है, मुस्लिम समुदाय के लोगों से, तो उनमें से अधिकतर लोगों का ओपिनियन यही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी। सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं मुस्लिम समुदाय के हित में, उन योजनाओं का लाभ इनको मिल रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा, इन लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि सभी पार्टियों ने हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में ही प्रयोग किया है, उनके लिए किया कुछ नहीं है। लेकिन इस बार 2024 में जो मुस्लिम समुदाय है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बनाएगा। TV9 UP के लिए